राजधानी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज धूल भरी आंधी का दौर चला, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आंधी के बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में तापमान बढ़ोतरी की भी चेतावनी जारी की है। राजधानी में फिर से एक बार आज मौसम ने मिजाज बदला। जहां एक तरफ सुबह तेज धूप निकल रही थी, तो वहीं शाम होते होते वापस फिर से मौसम ने मिजाज बदला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो धूल भरी आंधी है वह लगातार चल रही है, जिसकी वजह से जो अमूमन तौर पर अब साफ मौसम होने लगा था उसमें अब धूल दिखाई दे रही है। राजधानी में लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ यदि बात अगर की जाए तो मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, अलवर समेत आधा दर्जन से अधिक जिलों में तेज बारिश, मेघ गर्जन के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की हुई है। मैं कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर। मौसम का मिजाज बदला है। धूल भरी आंधी चलने के बाद शहर में बारिश हुई, जिसके बाद गर्मी से लोगों को निजात मिली है। उमस का मौसम था, उमस से भी लोगों को निजात मिली है। गर्मी के मौसम में राहत जरूर मिली है, लेकिन धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। तेज हवाओं के बाद कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात हुई, जिससे तेज तपिश में कमी देखने को मिली। मौसम सुहावना हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी ऋषभ, क्या कुछ अपडेट है मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो मौसम लगातार बदल रहा है। जहां सुबह एक बार धूप तेज निकली थी, उसके बाद बादल आए थे, बादल के बाद फिर से धूप, के बाद फिर शाम को तेज धूल भरी आंधी चली, जो जिसके बारे में मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दे रखी थी। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना था कि करीब 35 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी उसमें तेज धूल भरी आंधियां भी होंगी, साथ ही साथ बारिश का भी अलर्ट कर रखा था। एक खास बात मैं आपको आशीष बताना चाहूंगा कि आगामी 7 और 8 मई के लिए मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह रखा है कि जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। जी आशीष जी, और क्या कुछ चेतावनी दी जा रही है? क्या बारिश का दौर आगे चलेगा या फिर तपिश रहेगी, मौसम साफ रहेगा? बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग ने फिलहाल तो आज 6 तारीख के लिए ही बारिश का अलर्ट दे रखा था, वो भी हल्की बारिश का। लेकिन जो 7 और 8 तारीख के लिए है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर हल्की बारिश कुछ संभागों में हो सकती है, जिसमें जयपुर संभाग भी एक हिस्सा है, साथ ही जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। जी, सीकर के फतेहपुर में ओलावृष्टि देखने को मिली है, सफेद चादर वहां पर बिछी है, बरसात के बाद ओले गिरे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, राजसमंद, दौसा, झुंझुनू, भरतपुर, बूंदी, चुरू, सीकर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, ये कई जिले थे जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की हुई थी। और ओले जो गिरे हैं, ये मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह रखा है जो पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से उठा है, ये दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है जो अभी उठा है जी। और उसकी वजह से ही ये जो मौसमी बदलाव लगातार हो रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान समेत जो उत्तर भारत के कई प्रदेश अगर देखे जाए तो वो इसकी चपेट में है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे, जिन्होंने अपडेट दी मौसम को लेकर। राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है और आगे भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है।